सही गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक टिपिकल पंजाबी स्टाइल ढोलक किस तरीके से बजाई जाती है, स्पेशली फॉर वेडिंग्स या फिर भजन कीर्तन, लेडीज संगीत एंड ऑल, जितना भी होता है जो स्पेशली लेडीज टाइप की ढोलक होती है। बट ऐसा नहीं है, मेल्स लोग भी आज का ये लेसन प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों के बहुत काम आएगा। मैं पहले डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि ओवरऑल क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में। देखिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें हम सीखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें ओपन हैंड बजाया, ज़्यादा प्रॉपर इसको प्रोफेशनल वे में नहीं रखा, बिकॉज़ ये ज़्यादातर फीमेल्स के लिए बहुत इजी होता है, जैसे अगर वो ओपन बजाना कंपैरेटिवली ऐसे। तो मैं इस लेसन को बड़ा सिंपल रखने वाला हूँ ताकि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो भी इसे फॉलो कर सकें। इवन मेल्स में भी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं ये एक दो चीज़ें कर लेंगे पंजाबी स्टाइल, बहुत सारे गानों में बहुत सारे भजनों में लगती हैं ये चीज़ें, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी देखते रहिएगा तभी काम आएगी। एज वेल एज हम आज के इस पर्टिकुलर लेसन में बोलों के जगह हम काउंटिंग के साथ करेंगे, बिकॉज ये भी जो कि बिगिनर्स हैं बिल्कुल, या फिर जैसे लेडीज़ के लिए काफ़ी इजी होता है समझना, ठीक है? तो मैं बताता हूँ, पहली जो चीज़ मैंने बताई थी एक्चुअली बहुत यूज़फुल है, हर जगह मैक्सिमम जगह लगेगी ये चीज़, ठीक है? अगर काउंटिंग के अकॉर्डिंगली देखें, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बजाना कैसे कैसे है बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, किसी ने अभी तक मेरा नया चैनल अनुज लोधी व्लॉग्स अभी तक चेक नहीं किया तो प्लीज जाकर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेली व्लॉग्स आते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, तो डेली देखें, ठीक है? सपोर्ट कीजिए। और इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, 5 लाख सब्सक्राइबर्स हमने जल्दी अचीव करने हैं क्योंकि 5 लाख पे एक गिव अवे भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इस चैनल पे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बजाना कैसे है, डबल कैमरा यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे बस आपको समझना मेन है, ठीक है? तो देखिए, 1 जिसमें हम यहाँ बेस अकेला ओपन बजा रहे हैं, 1 2 3। अब ये 3 में हम ये यहाँ की इंडेक्स फिंगर ये थोड़ा अंदर बजा रहे हैं प्लस बेस ओपन दोनों साथ में, 1 2 3। वंस अगेन 1 2 3। एक बार और देख लेते हैं, 1 बजाया बेस में, 2 बजाया यहाँ पे लोअर फिंगर्स थोड़े मिड पोजिशन पे, 2 3 में ये इंडेक्स फिंगर बीच में प्लस बेस, 1 2 3। क्लियर? वंस अगेन 1 2 3। आगे देखते हैं, 4 में क्या कर रहे हैं हम, 4 में ये लोअर फिंगर्स एच पे प्लस साथ में यहां पे बेस स्लैप बंद बजा रहे हैं, ठीक है? अब ये फर्स्ट 4 बीट्स देखते हैं ओनली, 1 2 3 4। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4। आपने देखा मैं बिल्कुल स्लो स्लो करके भी बता रहा हूं आपको, तो अगर आप इसी तरीके से बिल्कुल स्लो बजाने की ट्राई करेंगे आप, हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बजा लें, बट हम गलती क्या करते हैं, मैंने आपको बताया 1 2 3 4, आप वहां पे ट्राई करेंगे 1 2 3 4, बल्कि इससे भी ज्यादा तेज कर लेते हैं हम ट्राई, कहां होगा जी? अभी हमारी स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम हम इस चीज को बजा रहे हैं मिनिमम स्पीड पे। दोबारा देखते हैं, देखिए 1 2 3 4। अभी माइंड के पास इनफ टाइम है सोचने का कि नेक्स्ट बोल कौन सा बजेगा और कैसे बजेगा, इसलिए मैं बोलता हूं स्लो। एक बार और, 1 2 3 में दोनों इंडेक्स फिंगर प्लस यहां पे बेस, एंड 4 में भी दोनों यहां पे लोअर फिंगर्स एच पे प्लस यहां पे स्लैप, तो 1 2 3 4। 5 में पॉज है, पॉज मींस कुछ नहीं बट उसको हमने बीट में कंसिडर करना है, वहां पे पॉज देना भी है हमने, तो 1 2 3 4। 5 में कुछ नहीं है, ठीक है? फिर 6 वही लोअर फिंगर्स, 7 में इंडेक्स फिंगर प्लस ओपन बेस 7, एंड 8। बड़ा सिंपल है, तो ये सेकेंड हाफ देख लेते हैं, 5 6 7 8।
फाइव, फाइव में देख लीजिए मैं कुछ नहीं बजा रहा हूं, फाइव सिक्स सेवन एट पूरा देखते हैं, वन टू एट। तो हमने बजाया यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर है। अब दोनों हाथ दिखाता हूं, यहीं पे दोनों हाथ दिखा रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर है। एक बार और देख लीजिए, मैं ट्राई करता हूं कि बड़े सिंपलेस्ट वे में बार बार बताया जाए ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर कंफ्यूजन ना रहे कोई, ठीक है। तो देख लीजिए बिल्कुल स्लो, वन वन फिर ये टू देन थ्री, थ्री में ये देखिए अंदर बजाए मैंने इंडेक्स फिंगर, थ्री प्लस यहां पे बेस सेम टाइम पे दोनों थ्री, फिर फोर में मैंने ये लोअर फिंगर्स एच पे बजाई प्लस यहां पे बेस स्लैप बजाया, वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, बेस यहां देख लीजिए वन टू थ्री फोर, ठीक है। पॉज दिया उसके बाद फिर फाइव यहां सॉरी सिक्स यहां पे बजाया, फाइव में तो पॉज था, सिक्स सेवन में ये इंडेक्स फिंगर और इसके साथ यहां पे बेस खुला आएगा, सेवन एंड देन एट अकेला लोअर फिंगर्स यहां पे, नो बेस, पूरा बजाएं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। दूसरा हाथ देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अभी तो सिर्फ ये नॉर्मल काउंटिंग थी, रिदम नहीं थी, और अब आएंगे हम मेन चीज पे। अब इसको रिदम के तौर पे बजाना है हमने। मैं जैसे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, ये वीडियो बन रही है, मेरे एक स्टूडेंट है मिस उषा जी, ठीक है, यूएस से है वो, बड़े टाइम से मुझे बोल रहे थे कि सर ये पंजाबी स्टाइल की बताइए, और भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे इस पे, तो मैंने कहा इस पे तो वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखिए आप कि अगर हम इसको सिर्फ ऐसे काउंटिंग या फिर बोल लीजिए, बोल बजाएं सिर्फ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब इसको रिदम के तौर पे बजाना हमने, अभी तो हमने बजाया था जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पर ये रिदम नहीं सुन रहे। अब आप बजाने का तरीका देखिए, टोन जिसको मैं बोलता हूं, तो ये टोन मैच करनी चाहिए, अदरवाइज आप ये पूरा बिल्कुल सही भी बजा लेंगे वो किसी काम का नहीं होगा। मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अब सुनने में कैसा लगता है ये, वन टू थ्री फोर, ट्यून देखिए वन टू थ्री फोर, ऐसा नहीं कि वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, ट्यून देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अभी ये स्लो है, बजने को तेज भी बज सकता है, पर हमने अभी बिल्कुल स्लो बजाना है, पर टोन दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार इस चीज को देखेगा, वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, कोई गैप नहीं है, वन टू थ्री फोर कहीं पे थोड़ा सा डिले भी नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। समझे बात को? तो देखिए रिकमेंडेशन यही है कि बिल्कुल स्लो ट्राई कीजिएगा सबसे पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इतनी बार एक एक चीज़ बार बार रिपीट करके इसीलिए बताई ताकि आप इजीली समझ जाओ, बट आपको प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी है, बिल्कुल स्लो 100% बचेगा। और जब ये बजना स्टार्ट हो गया तो इट्स माई गारंटी आप कहीं पे भी वेडिंग के किसी फंक्शन में, लेडीज संगीत वगैरह या कुछ भी, किसी भी भजन कीर्तन में कहीं पे भी बजाएं, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, मेनली फीमेल्स के लिए ज़्यादा ईजी है ये, मतलब कि फीमेल्स के लिए ही है रिकमेंडेड, मेल्स जो कि बिल्कुल बिगिनर है इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।